क्या रशिया और यूक्रेन के बीच शांति समझौता मुमकिन है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मोदी हैं तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री मोदी आज यूक्रेन की राजधानी कीव में वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखकर उनसे बातचीत कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी शायद अकेले ऐसे वैश्विक नेता हैं जो रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के सामने बैठकर उन्हें बता सकते हैं कि ये युद्ध का युग नहीं है और युद्ध किसी के लिए भी ठीक नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी जेलेंस्की के कंधे पर भी हाथ रखकर उनसे युद्ध के बारे में उनकी राय जान रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं। पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी के इस यूक्रेन दौरे की तरफ देख रही है इस उम्मीद में कि शायद इस बार कोई शांति समझौता हो जाए। ये संभव है या नहीं, मुमकिन है या नहीं, आज हम आपको बताएंगे। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश के सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं जिसके बारे में लोग सबसे ज्यादा चिंतित हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, कुछ लोग कहेंगे कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन आप जानते हैं कि इंटरनेट पर हमारे देश के लोग क्या कर रहे हैं, क्या खोज रहे हैं? इंटरनेट पर महिला सुरक्षा नहीं खोज रहे, इंटरनेट पर नौकरियां भी नहीं खोज रहे, हमारे देश के लोग इंटरनेट पर पॉर्न खोज रहे हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर का जो बलात्कार और मर्डर हुआ उससे पहले आरोपी पॉर्न देख रहा था, 2012 में जो निर्भया कांड हुआ था उससे पहले भी आरोपी पॉर्न देख रहे थे। क्या पॉर्न हमारे देश में रेप की एक बड़ी वजह बनता जा रहा है? आज इस पर खुलकर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं हमारा शो एक पारिवारिक शो है लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है कि अब इस पर खुलकर बात करनी ही पड़ेगी। इसलिए मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में, आज तक पर।